इतना भी सच नहीं बोलना था पर बोल गए। So let's get into tea together. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, baba jala, pakki daadi wala. भाई साहब ये किस लाइन में आ गया? पहले मैं सिर्फ बोलता था इसको बॉटल ओपनर, अभी बोलो बोल के दिखाता हूँ उसके मुंह से। भाई 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 वैसे तो ये सारी मीम वायरल पाकिस्तान में होनी चाहिए पर हो इंडिया में रही है, कोई बात नहीं। ये लड़का भी बहुत वायरल हुआ था बीच में और अभी इन लोगों का रोस्ट बैटल चल रहा है एक काइंड ऑफ, जिसमें ये एक दूसरे को रोस्ट कर रहे हो भैंस की आग, इतना कुछ बोल दे रहे हैं। मेरी बर्दाश्त की एक हद है। अगर ये मैं पेशावर ही मैं जीता ना, मैं सबको कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगा। पहले तो खुद कोल्ड ड्रिंक पी ले छोटू, तेरे पास कोल्ड ड्रिंक खरीदने के पैसे भी हैं, पापा से लेगा, कोई बात नहीं भाई। मगर वो कोल्ड ड्रिंक खोलेगी इसके दांतों से। मैं बोलता हूँ पहले आपके खोलूंगा फिर कोल्ड ड्रिंक खोलूंगा। बच्चे इतनी बड़ी बड़ी बात कैसे बोल जा रहे हैं भाई। ना ये कैमरा खुद शर्मा के नीचे गिरेगा। अब भाई पहले बोलना तो सीख लो। कितना पाउडर लगा के बैठा भाई, कितना पाउडर लगा के। आपकी शक्ल देख के सब भूल जाती बस सूरत। ओ भाई मार हो गया भाई, मार हो गया। बोतल ओपनर भैया ओपेंड हो गए। एलविश वर्सेस नेक्स्टर नहीं, बोतल ओपनर वर्सेस ब्लू टी शर्ट के। अबे भाई फमीर 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 की मीम लगा रखी है किसी ने। फमीर बच्चा इतनी जल्दी बोल गया कि कोल्ड ड्रिंक को कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगा, कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगा। ज्यादा तो जल्दी हो, कोई बात नहीं दोस्तों। नेक्स्ट नेक्स्ट मी ओवेस जीवा, किस उम्र की लड़कियां आपको ज्यादा मैसेज करती हैं? भाई अभी उसकी उम्र नहीं है लड़कियों के मैसेज देखने के, आप क्यों उसको उत्साहित कर रहे हो? अच्छा खासा मतलब जो भी है रहन दो ना यार, मतलब ऐसे नहीं बोलते किसी को उल्टी उल्टी चीजें। अब भाई जैसा बनाया भगवान ने बनाया यार। यार मुझे तकरीबन 18 तक की क्रश। क्या बोलती क्या यार? बस सब मतलब क्रश है, क्रश होती है। हाँ। वो ये एक ऐसा मैसेज आपके पास आया है जो आप सुन के बिल्कुल चौंक गए हो, ये क्या आया था? लेकिन वो अभी यहाँ पे सुनाने जैसा नहीं है। बोला क्या था? 18 प्लस फुल खतरनाक है। पहले तू तो 18 प्लस हो जा भाई, 18 प्लस तुझे मैसेज आ रहे हैं। वाह 69 हसमत भाई तुझे तो मैसेज भी नहीं। वो तो ठीक है, इसको मतलब भी पता है। ये बच्चे कुछ ज्यादा बड़े नहीं हो रहे क्या आजकल के? भाई थोड़ा रुक जाओ यार, सबर करो, हमें बड़ा हो लें तो पहले। नहीं हो पा रहे हैं यार हम इतने बड़े नहीं हो पा रहे यार। हमें भी आजकल के कुछ बच्चों की बातें समझ में नहीं आने लग रही है, पता नहीं कुछ भी बोल के चले जा रहे हैं। बाद में रियलाइज हो रहा है वो भाई इसने डबल मीनिंग बोला क्या, इतनी बड़ी बात बोल के चला गया। हम ज्यादा मासूम है या फिर तुम ज्यादा हरामी हो? मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ भाई। तारा ये जनरेशन का ना यही प्रॉब्लम है। जीवा एक ब्रांड है, अगर वो किसी लड़की को किस करेगा, किस करने से पहले इसकी नाक आएगी या दांत आएंगे? इसका जवाब अवेश जीवा खुद देंगे। जीवा क्या आएगा? मैं बोलता हूँ पहले दानियाल भाई के घर से रिश्ता आएगा। ये तो बहुत बहुत ज्यादा वाला HARMI है भाई। भाई क्या हो रहा है भाई, भाई ये क्या हो रहा है भाई? अभी बच्चे बात कर रहे हैं, बच्चों को कर रहे हैं। नहीं नहीं बेटा दोबारा बोलो, अभी कौन सा बड़े हो गए? जब पतले बात कर रहे थे मोटे नहीं बोलते। दानियाल भाई बच्चे हो के ये इतनी जबान चला रहे हैं आपके साथ, क्या करें आजकल के बच्चे भी पता नहीं इनके माँ बाप ने पता नहीं किससे गुट्टियाँ चटवा दी थी जब पैदा हुए थे। ये आप जब इस उम्र में थे तो आप में इतनी अकल थी? भाई मैं तो सीधा साधा मोहल्ले का बच्चा था, जाते थे इनके अंदर अभी अकल नहीं आई है, उस उम्र में क्या आई हो? भाई छोटे बच्चों से बहस नहीं करते, उनको सीधा मारते। भाई सच बता रही हूँ भाई, आजकल के बच्चे हैं नहीं भाई मुंह लगाने लायक, वो इतने ज्यादा हो चुके हैं ना, क्या ही बताएं। तो ये स्क्रिप्टेड है या ये बच्चे अगर अपनी मर्जी से इतना कुछ बोल रहे हैं भाई, तब तो मानना पड़ेगा भैंस की आग, मानना पड़ेगा भाई, इनको घर में बंद रखना पड़ेगा भाई, बाहर छोड़ने लायक बच्चे नहीं है फिर। अभी तो कैमरे के आगे बोल रहे हैं तो बच जा रहे हैं, कैमरे के पीछे अगर किसी को ऐसे बोल दे तो भाई रखियत के भाई। ओ अब बड़ा पाव वाली दीदी की देखने अब बड़ा पाव वाली दीदी को देखेंगे हम,
बहुत ज़्यादा वायरल रखी है दिल्ली में, पता नहीं क्यों भाई। दिल्ली में कौन खा रहा है बड़ा पाव यार, कौन खा रहा है भाई? तुम्हारा मोमो से मन भर गया है, हैं क्यों खा रहे हो बड़ा? नहीं अच्छी बात है खा रहे हो तो, पर क्यों खा? बस मुझे इस पे नजर होती है अगल बगल क्या हो रहा है, मुझे नजर नहीं। रहने दो, अगल बगल क्या हो रहा है सब पता रहता है इसको, सब पता रहता है। वीडियो बनाती है खाली टेले पे जाके, नहीं मतलब बड़ा पाव भी बनाती है पर वीडियो ज्यादा बनते हैं। पेट का चीन के नहीं अपना कमा रहे, मेरा बच्चा है भाई, बद्दुआ उसको लगती है। यार याद यार वड़ा पाव भी खिला दे और कितना ऐसे नहीं बोलते दोस्तों ऐसे, सही में भाई बहुत बातें करती है भाई। वड़ा पाव हम बनाती है, लोगों को जवाब ज्यादा देती है, और बीच में भी पुलिस वुलिस का लफड़ा हुआ तो रोने लग गई थी पुलिस, ये पुलिस वो आ रहा है भाई तुम रोड पे ठेला लगा रहे हो, भीड़ लग रही है, बाइक वाइक स्कूटी स्कूटी वाले को जाने को रास्ता नहीं मिल रहा, तो भाई ऑब्वियसली ना पुलिस आके बोलेगी कि तुम्हारे वजह से इतना भीड़ लग रहा है, कुछ करो, कुछ उपाय करो इसका। इज इट जस्ट मी और एवरीवन गेट्स नेचुरली ट्रिगर्ड व्हेन एवर दे सी दिस गर्ल? नो इट्स नॉट जस्ट यू, कंट्रोल। बिजी ठेले वाले स्टार है आजकल और टैलेंट वाले घिस रहे हैं। बात तो सही है भाई, ये तो कुछ भी नहीं है भाई। अभी मार्केट में ना, मार्केट में बहुत मटेरियल आया है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अभी इसके ठेले के बगल में ना एक और ठेला लगा दिया किसी ने, और ये उस बात का ना कबवाल हो चुका है भैंस की आँख। ये देखो भाई, ये ठेले वाली मतलब बड़ा पाव वाली, एक तरफ बड़ा पाव खाने के लिए जहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। लड़की नहीं पसंद आंटी, इतनी ज्यादा ऑफेंडेड है भैंस की आँख। आंटी ज्यादा कोई ऑफेंड ही नहीं रखा, लड़की नहीं पसंद मुझे इसका बड़ा पाव, होंगी में आए लड़की नहीं पसंद मुझे बड़ा पाव, होंगी में इसका ये नहीं पसंद मुझे। खा के देखो ना एक बार, क्या पता बड़ा पाव अच्छा हो, आप ट्राई तो करो आंटी एक बार। वहीं पे एक माँ बेटे की जोड़ी निकल के आई है जिनको लोग डुप्लीकेट वड़ा पाव वाले के नाम से जानते हैं। सर डुप्लीकेट हर कोई बेच रहा है, ओरिजिनल तो सर मुंबई का ही है। पहले 40 का था, क्यों 50 का किया उसने, बिल्कुल बेकार वड़ा पाव, पता नहीं कितना यूट्यूबर रखे हुए, तो चल भाई उसकी कर दे उसकी कर दे। लेके आया था मेरा लड़का तो हमने उठा के फेंक दिया, हमें पसंद नहीं आया। तो पहले आप जंग अपार्टमेंट के बाहर बेचते थे, ठीक है आंटी हम नहीं खाएंगे, आपका रिव्यू मिल गया हमें, कोई बात नहीं। आज यहाँ पे क्यों खड़े हो? जब यहाँ देखा कि यहाँ पे क्राउड है, लोगों को चाहिए और वो वापस जा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ आए। आज वड़ा पाव के लिए भीड़ लग रही है, आप कैसी भीड़ आ रही है यहाँ पे? 3 दिन में मेरे, इसे कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। अब कुछ लोग कह रहे हैं अरे यार वो कमा रही थी यार, अब तुमने भी लगा दिया, तुम उसके पेट पे लात मारो। मतलब वो जो लड़की है वड़ा पाव वाली खुद कह रही है कि किसी के पेट पे लात नहीं मारना चाहिए नॉल भाई, वो कॉम्पिटिशन कहते हैं उसे, कॉम्पिटिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी गाड़ी बना रही है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई और कंपनी आकर गाड़ी नहीं बना सकती है, चीटिंग कॉपी कुछ नहीं होता भाई, कंपटीशन होता है कंपटीशन, और तुम भी चीटिंग ही कर रही हो ना। वैसे तो वड़ा पाव दिल्ली का तो है नहीं, मुंबई का है। बिल्कुल खाली होके जाती हूँ सर, उनको फैमिली सपोर्ट है, अगर मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली हो, फिलहाल मेरे पास मेरी पूरी फैमिली है भी नहीं। तो अंकल जी काम पे रहते हैं सर, वो हमारे साथ ही नहीं रहते तो सपोर्ट क्या मिलेगा, मतलब सबकी अपनी अपनी कहानी है, घर की बात घर में रहे ज्यादा अच्छी बात। चलो ठीक है आंटी, अब ज्यादा स्टोरी नहीं सुनेंगे वरना फिर सिंपति हो जाएगा और फिर आपका वड़ा पाव खाने की जगह लोग सिंपति देने आ जाएंगे। ज्यादा स्टोरी नहीं सुनाओ, वड़ा पाव लगा दो फटाफट से। कुछ और देखते हैं मजेदार दोस्तों, पानी क्या दिखा रही है, ये कौन सी पप्पी है भाई, खुद को हवा कर रही है क्या मुंह पे, ये कौन सी पप्पी चल रही तेरी, वाह सो यू नो सो नेचुरल सो सुंदर, वाह मजा आ गया यार, हार्ट टचिंग, हार्ट छोड़ो भैंस की आंख, फेफड़ा टच कर दिया इस वीडियो ने मेरा, चीख चीख के फेफड़ा कह रहा मेरा गला घोट के मार, मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। क्या सोच के भाई, क्या सोच के, क्यों क्यों भाई, why, what was the reason, I want to know why, क्या मजबूरी थी, ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। ओरल एग्जाम इन किंडरगार्टन, तुम सुना तो ना आज यही स्टूडियो से सुनाओ, दो का टेबल। और ये बताइए तो ये अपने माथे चोट से पैदा होते पढ़ लिख नहीं जाता, पढ़ते पढ़ते सब आता है। नहीं ये दो का टेबल क्या कहते हैं, दो का टेबल भी सुना ले, समय होता है। अच्छा हाँ ठीक बात, टेबल सुनाने के लिए भाई को समय चाहिए, पंडित बुला दो भाई, मुहूर्त वुरत भी निकलवा देते है। अभी तो ये भी चिड़ी जल ले आ गई, अब वो बोल देती ये भी चिड़ी नहीं सुना, ये भी चिड़ी मात्रा नहीं है। नहीं भाई बिल्कुल सही है आप, ए बी सी डी मात्रा ही तो है,
एबीसीडी मात्रा क्यों नहीं है? अनपढ़ लोग, जाहिल, गंवार, उनको पता ही नहीं है कि एबीसीडी मात्रा होती है। गंवार लोग कहीं के। शर्म करो, भगवान से डरो। ओके, सो दैट इज इट टुडे गाइस, होप आप लोग वीडियो पसंद आई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड यस, डोंट फॉरगेट टू डू लाइक्स एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।